Namaskar. Chandrashekhar, the last icon of ideological politics, पुस्तक के विमोचन समारोह में मैं आप सभी विशिष्ट जनों का हार्दिक स्वागत करती हूं. पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर जी के जीवन पर आधारित इस पुस्तक का विमोचन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों होना है और इस पुस्तक की प्रथम प्रति माननीय उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और इस आयोजन के मुख्य अतिथि श्री एम वेंकैया नायडू जी को भेंट की जाएगी. सुखद संयोग ये है कि लोकसभा के अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी और जिस राज्यसभा से श्री चंद्रशेखर जी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी उसके विपक्ष के नेता श्री गुलाम नबी आजाद जी भी हमारे बीच मौजूद हैं. पुस्तक के लेखक की भूमिका में माननीय श्री हरिवंश जी आज के इस कार्यक्रम के मेजबान भी हैं. और पौधे की ये भेंट पर्यावरण संरक्षण की हमारी ईमानदार कोशिश का भी एक हिस्सा है. खुद चंद्रशेखर जी ने भी अपने जीवन काल में हजारों वृक्ष लगाए थे और बंजर जमीन को भी हरियाली से भर दिया था. अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करूंगी कि आप माननीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी की लिखी पुस्तक का विमोचन करें. धन्यवाद प्रधानमंत्री जी. चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स के लेखक और राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी से अनुरोध है कि आप अपनी इस पुस्तक के बारे में विचार प्रस्तुत करें. माननीय उपराष्ट्रपति जी व चेयरमैन राज्यसभा श्री वेंकैया नायडू जी का आभार और स्वागत, जिनसे संसदीय परंपराओं के आदर्श मूल्य रोज सीखने का सुअवसर मुझे मिला है. मेरे अनुरोध को स्वीकार कर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जीवनी पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में आकर आपने इस गरिमा को बढ़ाई है. आदरणीय प्रधानमंत्री जी का खास तौर से अभिनंदन. अत्यंत व्यस्तताओं के बीच भी उदारता पूर्वक समय देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मेरे राजनीतिक जीवन में जो स्नेह और प्रेरणा मिली उसके लिए कृतज्ञ हूँ, वह शब्दों से परे है. माननीय ओम बिरला जी का स्पीकर लोकसभा का स्वागत और आभार. इस पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित रहने का अनुरोध स्वीकार करने के लिए, कम समय में संसदीय कामकाज की श्रेष्ठ परंपरा कायम करने के लिए भी. साथ ही राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता माननीय गुलाम नबी आजाद जी का स्वागत और मेरा आभार. राज्यसभा में आते ही उनकी तकरीर सुनकर सदन में कहा था, राजनीतिक गरिमा शालीनता के साथ विषय पर पूरी तैयारी के साथ जिस तरह से उच्च संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए अपनी बात कहते हैं, वह हम सब के लिए प्रेरणा का प्रतीक है और लंबे समय से वह चंद्रशेखर जी के पड़ोसी भी रहे हैं. साथ ही स्वागत आभार सभागार में उपस्थित माननीय मंत्रियों का, माननीय सांसदों का, अधिकारियों का, मीडिया बंधुओं का, चंद्रशेखर जी को चाहने वाले उपस्थित यहाँ आए सभी मित्रों का. मैं कहना चाहूँगा कि आज सुबह से लगातार
उत्तर प्रदेश और बिहार से अनेक ऐसे लोग आए, लगभग 300-400 लोग आए गेट पर किसी पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम के लिए, खुद पहल करके चलकर आने के लिए, क्योंकि जगह कम थी इसलिए उनसे भी मैं क्षमा यहां से चाहता हूं, पर वो आए इसके लिए उनका भी आभार। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकार्पित होने वाली यह पुस्तक चंद्रशेखर द लास्ट आइकॉन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की अंग्रेजी में पहली जीवनी है, एक तरह से उनकी वैचारिक यात्रा का विवरण। इस पुस्तक पर हमने लगभग 5 वर्षों तक काम किया। इस पुस्तक में मेरे साथ सहलेखक मेरे मित्र रविदत्त वाजपेयी जी हैं, जो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के डिकिन विश्वविद्यालय से भारत चीन संबंधों पर पीएचडी कर रहे हैं, वह भी मौजूद हैं। यह पुस्तक क्यों लिखी? सिर्फ 2 दिनों पहले आदरणीय टीएन चतुर्वेदी जी का व्यक्तिगत पत्र मिला। मेरा व्यक्तिगत परिचय उनसे नहीं रहा, पर सार्वजनिक जीवन में रहने से उन्हें जानता हूं। वह भारत सरकार के पूर्व सीएजी, कर्नाटक के गवर्नर, राज्यसभा सदस्य रहे हैं। उनकी विद्वता और ज्ञान की सुगंध दूर दूर है। उनके पत्र से महज 4 पंक्तियां हैं इस पुस्तक के लिखने के पीछे का मेरा मकसद है। आई एम राइटिंग टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर एक्सलेंट बायोग्राफी ऑफ श्री चंद्रशेखर, पब्लिश्ड बाय रूपा पब्लिकेशंस। इट इज द फर्स्ट फुल लेंथ एनालिटिकल बायोग्राफी ऑफ हिज इन इंग्लिश। इट डज फुल जस्टिस टू हिम। श्री चंद्रशेखर इज ए मच मेलाइंड, misinterpreted and misunderstood person, both as a politician, as a human being. I do hope it's translated into Hindi and some other Indian languages. His political thinking, as well as his actions as Prime Minister, as well as early times, was motivated only by the national interest and the good of the common people. That he achieved so much without compromising his principles, having risen from humble beginnings, is indeed remarkable. You have well brought out his qualities of head and heart. He was a far-seeing person with values and principles of his own. His thinking was rooted in ground realities. He was a well-read person but could not make a show of it. He always gave credit where it was due. Mani Chaturvedi ji ka patr ka ya aarambhik ansh hai. Wah is umr mein khud aaye hain. Main unka abhar vyakt karta hoon. Chandrashekhar ji se jude anek मिथ कुप्रचार जो उनके जीवन में रहे, जिनके बारे में उन्होंने अपनी गरिमा के अनुकूल जीते जी कभी कुछ नहीं कहा, उनका सच इस पुस्तक में है। जानबूझकर की किताब के बारे में कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि यह खुद आत्मविवेचन होगा। जो कुछ चंद्रशेखर जी के बारे में कहना था वह किताब में है। चंद्रशेखर स्मृति दिवस पर 7 जुलाई को, जो 8 जुलाई को होता है, बनारस के काशी विद्यापीठ में कार्यक्रम था जिसमें उपस्थित था। 55 वर्षों तक उनके साथ ही रहे ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी, जिन्होंने इस पुस्तक में बहुत मदद की। चंद्रशेखर जी का एक बड़ा प्रिय शेर सुनाया जो उनके व्यक्तित्व की झलक है। अकेला हूं तो क्या, आबाद कर देता हूं वीराना, बहुत रोएगी सामे तन्हाई मेरे जाने के बाद। मैं खुद गवाह रहा हूं। भारत यात्रा केंद्र को मैंने बंजर देखा। जिस गांव से हूं सिताब दियारा, उसको बिल्कुल दियारे की जगह कीचड़ में खड़े होकर निर्माण करते देखा। जन सहयोग के आधार पर इस तरह के अनेक कार्यक्रम उन्होंने किए, और भारत यात्रा जो की थी उसके जो 5 मुद्दे थे उसमें जल संग्रह एक था, घोषणा पोषण मुक्त आहार, प्राथमिक शिक्षा, दलित आदिवासी सम्मान, सामाजिक सद्भाव, यह उस वक्त उनकी दृष्टि थी। आप यहां उपस्थित एक एक सज्जनों के प्रति पुनः मेरा धन्यवाद। अंत में पुनः एक बार माननीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय स्पीकर लोकसभा, माननीय नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा के प्रति पुनः मेरा व्यक्तिगत निजी आभार और धन्यवाद। आपके आने से चंद्रशेखर जी की स्मृति और व्यक्तित्व के दस्तावेजीकरण की कोशिश और सार्थक हो गई है। आपके विचार सुनने के लिए हम सभी उत्सुक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री हरिवंश जी। अब मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा श्री गुलाम नबी आजाद जी से निवेदन करूंगी कि आप पुस्तक विमोचन के इस मौके पर अपने विचार साझा करें। माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय स्पीकर लोकसभा, माननीय डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा हरिवंश जी, जिनकी पुस्तक का आज विमोचन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हुआ, और रूपा पब्लिशर्स के सभी साथी, यहाँ लंबे समय तक शरद पवार जी और
चंद्रशेखर जी के बहुत निकट संबंध रहे हैं, कैबिनेट के मंत्रीगण, एमपीज और बलिया से आए हुए मेरे भाई बहने, और पंकज और नीरज जी और उनके परिवार के सभी साथियों, जो नाम पुस्तक का दिया गया है उसके लिए मैं हरिवंश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। द लास्ट आइकॉन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स। मैं सोच रहा था जब इन्होंने मुझे पुस्तक दी और आज की राजनीति देख रहा था और उस वक्त की राजनीति देख रहा था। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उस वक्त जब गरीबी होती थी पूरे देश में, लोग उस वक्त नौकरी ढूंढते थे और एक पोस्ट ग्रेजुएट को अच्छी नौकरी मिल सकती थी, 50s अर्ली 50s की बात है, लेकिन वो अपने लिए नहीं, वो देश के लिए सोचे। और जो रास्ता अपनाया था वो बड़ा लंबा था, कुर्बानी का, त्याग का था, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया और समाजवाद का नारा लगाया। और समाजवाद सोचने वाला अपने बारे में नहीं सोचता है, वो जनता के बारे में सोचता है, गरीब के बारे में सोचता है, देश के बारे में सोचता है। तो उन्होंने उस विचारधारा का काम तब से शुरू किया, चाहे वो पीएसपी में रहे, कांग्रेस में रहे, जहां जहां भी रहे। नाम तो उनका यंग टर्क, एंग्री यंग मैन की तरह से शुरू हुआ, लेकिन वो आखिर तक यंग मैन, एंग्री मैन ही रहे, क्योंकि उनके दिल में जो तड़प थी उस सोशलिज्म को लागू करने के लिए, कई दफा एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना पड़ा, पद हासिल करने के लिए, कुर्सी के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं, वो तो जबरदस्ती बनाया, लेकिन उस लक्ष्य को पाने के लिए, समाजवाद को पाने के लिए उन्होंने हर जगह तलाश की और आखिर जीवन दम तक वो लड़ते रहे। मुझे दो दफा उनके बहुत नजदीक आने का अवसर प्राप्त हुआ। एक तो जब वो प्रधानमंत्री बन रहे थे तो मैं अपनी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज उत्तर प्रदेश का था, तो उनके बनाने उस तोड़ जोड़ में मैं भी शामिल रहा बनाने के वक्त। दुर्भाग्य से जिस वक्त सपोर्ट विड्रॉ हुई तो मैं दिल्ली में नहीं था, शायद न हो पाता। और दूसरा, उसके चंद साल बाद मैं 12 साल उनके हमसाय में रहा, नीरज जी के और पंकज जी के और चंद्रशेखर जी के, खाली दीवार हमारे दो घरों के बीच में रही। मैं अभी उसी घर में हूं, लेकिन वो हमारे बीच में नहीं है। 1996 से 2007 तक साउथ एवेन्यू, वो 3 नंबर में रहे, मैं 5 नंबर में तब भी था, आज भी हूं, दीवार थी हमारे बीच। तो तब आना जाना रहा। मैंने इतनी बड़ी सोच का इंसान और प्रधानमंत्री जो देश का रहा, इतना सादा हो सकता, इतना सादा लिबास, इतना सादा खाना पीना बोलना, उनकी सोच में समाजवाद था, उनके खाने पीने में समाजवाद था, उनके बोलने बोलचाल में समाजवाद था, उनकी नींद में समाजवाद था, वो सोते खाते पीते समाजवाद के एक जिंदा इंसान थे। आज हम ध्यान देखते हैं तो हम तो लाशे, आज समाजवाद नहीं है, आज जो आइडियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, आइडियोलॉजी के माने बदल गए हैं। आइडियोलॉजी का मतलब है आज पद, पैसा और पोजीशन। हम कब होते हैं, कौन राजनेता, दिल किस पार्टी में होता है और किस पोजीशन में होता है और कितने पैसे की जरूरत से कहां जाते हैं, आज इसीलिए शायद इन्होंने अच्छा नाम दिया है
मैं हरिवंश जी को बधाई देता हूं कि लास्ट वो आइडियोलॉजिकल का आइकॉन थे. काश वो जिंदा रहते तो शायद और हजारों और लाखों और करोड़ों लोगों को आज प्रभावित करते थे. आज वो हमारे बीच में नहीं है. मैं हरिवंश जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और ज्यादा से ज्यादा इस पुस्तक को लोग पढ़ेंगे तो शायद समझ आएगा कि हम किस दुनिया में रहते थे और आज हम किस दुनिया में हैं. बहुत धन्यवाद. धन्यवाद श्री गुलाम नबी आजाद जी. और चंद्रशेखर जी, चार दशकों से भी लंबे अपने संसदीय करियर में राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा के भी एक बेहद मजबूत सदस्य रहे. और हमारे बीच लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी भी मौजूद हैं. आपसे अनुरोध है कि इस अवसर पर अपने विचार साझा करें. आज के पुस्तक विमोचन समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति माननीय वेंकैया नायडू साहब, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब, प्रतिपक्ष के राज्यसभा में नेता श्री गुलाम नबी आजाद साहब और जिन्होंने इस किताब को अपनी लेखनी में लिखा, राज्यसभा के उपसभापति, प्रख्यात लेखक श्री हरिवंश जी, उनके सहयोगी रविदत्त वाजपेयी जी, माननीय चंद्रशेखर जी के बारे में इस दुनिया, देश और दुनिया में सब जानते हैं. चंद्रशेखर जी ने एक ऐसे नेता रहे जिन्होंने भारत की राजनीति में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की एक दिशा दी. हमेशा शोषित पीड़ित व्यक्तियों के लिए न्याय के लिए संघर्ष किया. पूरी जिंदगी समाजवाद के रूप में, समाज में बदलाव के लिए संघर्ष किया और हमेशा युवाओं के लोकप्रिय रहे. इसलिए उनकी उम्र कितनी भी हो लेकिन युवा तुर्क के रूप में चंद्रशेखर जी हमेशा जाने, और इसलिए वे इस देश के हर गांव को जानना चाहते थे. गांव के अभाव में रहने लोगों की समस्याओं को जानना चाहते थे. इसलिए देश में सबसे बड़ी लंबी पदयात्रा की तो माननीय चंद्रशेखर जी ने की. मैं ऐसे राजनीति में जब आया, जब मैं उनके दल का सदस्य नहीं रहा, मैं भारतीय जनता पार्टी के दल के सदस्य हुआ, लेकिन मेरा उनसे कई बार व्यक्तिगत रूप से मिलना हुआ और मैं एक शब्द में कह सकता हूं कि एक बार मिलने के बाद वो कभी भूले नहीं. मैं सोचता था कि मैं राजनीति में रहता था, सामाजिक रूप से राजनेताओं से कई बार मिलना होता था, लेकिन कई बार जब एक राजनेता से दो साल पांच साल बाद मिलना हो तो अपना परिचय देना पड़ता था. पर माननीय चंद्रशेखर जी का आज भी मुझे याद है कि मैं तीन साल बाद जब उनसे मिला तो उन्होंने कहा, कैसे हो ओम बिड़ला जी, ये राजनीति की एक ऐसी पहचान है जो हमेशा सामाजिक राजनीति जीवन में ये याद रखना चाहिए कि हमारे साथ काम करने वाले हजारों कार्यकर्ताओं को हम किस तरीके से नाम से पहचाने
और मैं कह सकता हूं कि चंद्रशेखर जी की किताब को जितना व्यक्ति पढ़ेगा आज के इस राजनीति माहौल में अपनी जिंदगी को उतना बदलेगा, क्योंकि अगर सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाना है तो ये किताबें, किताबों की पुस्तक का ज्ञान हमेशा हमारे मार्गदर्शन की भूमिका का काम करती है। मैं इस मौके पर पुनः हरवंश जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ उनके सहयोगी रविदत्त जी को, क्योंकि हरवंश जी का भी एक पत्रकारिता के अंदर जिस स्वतंत्र लेखनी से इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो नाम पूरे देश में जाना जाता है कि पत्रकार और पत्रकार की लेखनी निष्पक्ष निर्वाध होनी चाहिए, तो हरवंश जी ने भी इस किताब में निष्पक्ष और निर्वाध रूप से चंद्रशेखर जी की जीवनी को लिखा है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, उनके सहयोगी रविदत्त जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर लिखी गई पुस्तक का मौजूदा प्रधानमंत्री जी ने विमोचन किया है, और इस खास अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगी कि आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, श्री गुलाम नबी जी, और एक प्रकार से आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु श्रीमान हरिवंश जी, चंद्रशेखर जी के सभी परिवारजन और उनके विचार यात्रा के सभी सहयोगी बंधुगण, आज के राजनीतिक जीवन में राजनीति के परिदृश्य में जीवन व्यतीत करने के विदाई के बाद 2 साल के बाद भी शायद जीवित रहना बहुत मुश्किल होता है। लोग भी भूल जाते हैं, साथी भी भूल जाते हैं, और शायद इतिहास के किन्हीं कोने में ऐसे व्यक्तित्व खो जाते हैं। इस बात को हमें दर्ज करना होगा कि उनकी विदाई के करीब 12 साल बाद आज भी चंद्रशेखर जी हमारे बीच में उसी रूप में जीवित हैं। मैं हरिवंश जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। एक तो उन्होंने ये काम किया और दूसरा ये काम करने की हिम्मत जुटाई। हिम्मत इसलिए कि हमारे देश में वातावरण ऐसा बन चुका है कुछ कालखंड से जिसमें राजनीतिक छुआछूत इतनी तीव्रता पे है कल तक हरिवंश जी एक पत्रकारिता जगत से आए हुए निष्पक्ष और वैसे ही राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन के रूप में काम करने वाले व्यक्ति, लेकिन शायद इस किताब के बाद पता नहीं हरिवंश जी पे क्या क्या लेबल लगेंगे। चंद्रशेखर जी, उनके साथ काम करने का तो हमें सौभाग्य नहीं मिला है। तो पहले उनको मिला था मैं 77 में, मिलना का था अवसर मिला, कुछ
कुछ घटनाएं मैं जरूर यहां शेयर करना चाहूंगा। एक दिन हम मैं और भरोसे शेखावत दोनों हमारी पार्टी के काम से दौरे पर जा रहे थे और दिल्ली एयरपोर्ट पर हम दोनों थे। चंद्रशेखर जी भी अपने काम से कहीं जाने वाले थे तो एयरपोर्ट पे दूर से दिखाई दिए चंद्रशेखर जी आ रहे हैं, तो बैरसी जी मुझे पकड़ करके साइड में ले गए और अपनी जेब में जो था सब मेरी जेब में डाल दिया। और इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था, ये सब मेरी जेब में क्यों डाल रहे हैं? इतने में चंद्रशेखर जी आते ही चंद्रशेखर जी ने पहला काम किया बैरोसी के जेब में हाथ डाला। और इतनी रोक थे तब सब जाए कि क्यों डाला, क्योंकि भैरोसी जी को पान पराग और तमाकू ऐसी खाने की आदत थी और चंद्रशेखर जी उसके बड़े विरोधी थे। जब भी भैरोसी जी मिलते थे वो छीन लेते थे और कूड़े कचरे में फेंक देते थे। अब इससे बचने के लिए भैरोसी जी ने अपना सामान मेरी जेब में, कहां जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनकी विचारधारा और कहां चंद्रशेखर जी और उनकी विचारधारा। लेकिन ये खुलापन, ये अपनापन और भैरव सिंह जी को भविष्य में कुछ न हो जाए इसकी चिंता चंद्रशेखर जी को रहता, ये अपने आप में बड़ी बात है। चंद्रशेखर जी अटल जी को हमेशा व्यक्तिगत तौर पर भी और सार्वजनिक तौर पर भी गुरु जी कहकर के बुलाते थे और हमेशा संबोधन गुरु जी के नाते करते थे। और कुछ भी कहने से पहले सदन में भी बोलते थे तो गुरु जी आप मुझे क्षमा करिए, मैं जरा आपकी आलोचना करूंगा, ऐसा करके कहते थे। अगर आप पुराने रिकॉर्ड देखेंगे तो ये उनकी संस्कार और उनकी गरिमा प्रतिपल झलकती थी। आखिरकार जिस समय कांग्रेस पार्टी का सितारा चमकता हो, चारों तरफ जय जयकार चलता हो, वो कौन सा तत्व होगा जिस इंसान के भीतर, वो कौन सी प्रेरणा होगी कि इसने बगावत का रास्ता चुन लिया? शायद बागी बलिया के संस्कार होंगे, शायद बागी बलिया की मिट्टी में आज भी वो सुगंध होगी, और जिसका परिणाम था इतिहास की दो घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण मैं नजर करता हूं। जयप्रकाश नारायण जी बिहार, महात्मा गांधी गुजरात, देश आजाद होने के बाद देश के प्रधानमंत्री का निर्णय एक गुजराती को करने की नौबत आई तो उसने एक बिन गुजराती को चुना और लोकतंत्र की लड़ाई में विजय होने के बाद एक बिहारी को प्रधानमंत्री तय करने की नौबत आई, उसने एक गुजराती को प्रधानमंत्री चुना। उस समय यह था चंद्रशेखर जी बनेंगे या मुरारजी भाई बनेंगे, और उस समय मोहनलाल धारिया, क्योंकि मुझे चंद्रशेखर जी के कुछ साथियों के साथ जो संपर्क जब मेरा ज्यादा रहा उसमें मोहन धारिया जी के साथ रहा, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ रहा, और उनकी बातों में चंद्रशेखर जी के आचार और विचार ये हमेशा प्रतिबिंबित होते थे और आदरपूर्वक होते थे। और भी लोग होंगे जिनका शायद मेरा संपर्क नहीं आया होगा। चंद्रशेखर जी बीमार रहे और मृत्यु के कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले उनका टेलीफोन आया मुझे, मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था,
तो कहा भाई दिल्ली कब आ रहे हो? मैंने कहा बताइए साहब क्या है? नहीं ऐसे ही एक बार अगर आते हो तो घर पे आ जाइए बैठेंगे, मेरा स्वास्थ्य ठीक होता तो मैं खुद चला आता। मैंने कहा मेरे लिए बहुत बड़ी बात है आपने मुझे फोन करके याद किया है। तो मैं उनके घर गया और मैं हैरान था जी, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लंबे देर तक मुझसे बातें की और गुजरात के विषय में जानने का प्रयास किया, सरकार के रूप में क्या क्या चल रहा है वो जानने का प्रयास किया, लेकिन बाद में देश के संबंध में उनकी सोच क्या है, समस्याएं क्या दिख रही हैं, कौन करेगा कैसे करेगा, भाई तुम लोग नौजवान हो देखो क्या है ने? और बड़े भावुक भी थे, वो मेरी उनसे आखिरी मुलाकात थी। लेकिन आज भी वो अमिट छाया, विचारों की स्पष्टता, जन सामान्य के प्रति कमिटमेंट, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रति समर्पण, ये उनके हर शब्द में निखरता था, प्रकट होता था। चंद्रशेखर जी, ये किताब हरिवंश जी ने जो रखी है उसमें हम चंद्रशेखर जी को तो भली भांति समझने का अवसर मिलेगा, लेकिन उस कालखंड की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को संबंध में हमें जो अब तक बताया गया है उससे इसमें बहुत कुछ विपरीत है। और इसलिए हो सकता है कि एक वर्ग इस किताब को उस रूप में भी एनालिसिस करेगा, क्योंकि उस समय इतना, और एक हमारे देश में फैशन है कि कुछ लोगों को कोई कुछ अधिकार प्राप्त है, रिजर्वेशन है वहां। आज छोटा मोटा लीडर भी 10-12 किलोमीटर पदयात्रा करे तो 24 घंटे टीवी चला लेगा, मीडिया के पहले पन पर छप रहेगा। चंद्रशेखर जी ने चुनाव के इर्द गिर्द नहीं, पूर्णतया गांव गरीब किसान को ध्यान में रख के पदयात्रा की, इस देश ने उसको जो गौरव देना चाहिए नहीं दिया, हम चूक गए। और दुर्भाग्य, मैं बड़ा दर्द के साथ कहना चाहता हूं, दुर्भाग्य उनके विचारों के सब इनमें विवाद हो सकता है, आज भी किसी को इतराज हो सकता है, वही तो लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन बहुत जान बुझ करके सोची समझी रणनीति के तहत चंद्रशेखर जी की उस यात्रा को डोनेशन, करप्शन, पूंजीपतियों के पैसे, इसी के इर्द गिर्द चर्चा में रखा गया। ऐसा घोर अन्याय सार्वजनिक जीवन में अखरता है। मैं नहीं जानता हूं हरिवंश जी ने इस पार्ट को इसमें लिया है कि नहीं लिया है, लेकिन मैंने उस बात को निकट से अध्ययन करने का प्रयास किया था। हमारे देश की एक और बात रही, आज की पीढ़ी को पूछा जाए कि देश में कितने प्रधानमंत्री हुए, शायद किसी को पता नहीं, कौन हुए बहुत कम लोगों को पता होगा, बहुत प्रयत्नपूर्वक भुला दिए गए। ऐसी स्थिति में हरिवंश जी आपने बहुत बड़ी हिम्मत की है, आप बधाई के पात्र हैं। हर किसी का योगदान है, लेकिन एक जमात है, माफ करना मुझे, देश आजाद होने के बाद बाबा साहब आंबेडकर की छवि क्या बना दी गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल की छवि क्या बना दी गई, ये तो कुछ समझते नहीं है, ये तो ढिकने हैं फलाने हैं वगैरह वगैरह। लाल बहादुर शास्त्री जी, वे भी अगर जिंदा लौट करके आए होते और जीवित होते तो ये जमात उनको भी पता नहीं क्या क्या
प्रकार के रूप में प्रदर्शित कर देती है। लाल बहादुर शास्त्री जी बच गए क्योंकि उनकी शहादत बहुत बड़ी चीज बनी है। उसके बाद फलाना प्रधानमंत्री क्या पीता है मालूम होगा, मोरारजी भाई के लिए यही चर्चा चला दी गई। फलाना प्रधानमंत्री मीटिंग में भी सोता है, फलाना प्रधानमंत्री तो बैकस्टैप करता है, यानी जितने भी हर एक को एक ऐसे टाइटल दे दिए गए ताकि उनका काम उनकी पहचान दुनिया को हो ही नहीं, भुला दिया गया। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से मैंने ठान ली है दिल्ली में सभी पूर्व प्रधानमंत्री सभी उनका एक बहुत बड़ा आधुनिक म्यूजियम बनेगा। सभी पूर्व प्रधानमंत्री के परिवारजनों से मित्रों से मेरा आग्रह है कि वो सारी चीजें इकट्ठी करें ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चले हाँ चंद्रशेखर जी हमारे प्रधानमंत्री थे और उनके जीवन में ऐसी ऐसी विशेषताएं थी, उनका ये योगदान था। चरण सिंह जी की ये विशेषताएं थी, योगदान था। देवगौड़ा जी के ये योगदान है। आज भी उनके चिंतन से यंग तर्क का मिजाज डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ उभर करके आ सकता है, अनडेमोक्रेटिक रास्ते उसको छूने का जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे बराबर याद है जब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना था उनको, यहां दिल्ली में तूफान मच गया था और वो भी कोई आईबी के पुलिस वाले के कारण। देश की सरकार दुनिया में जब लिखा जाएगा कि किसी पुलिस वाले के कारण सरकारें गिर सकती है, उस दिन मैं नागपुर में था, अटल जी अडवाणी जी का एक कार्यक्रम था वहां, लेकिन उनका जहाज बाद में आना था, मैं पहले पहुंचा था। तो जहां मेरा स्थान था वहां पर चंद्रशेखर जी का फोन आया, मैंने फोन उठाया, सीधे ही वो फोन पर थे। उन्होंने कहा भाई गुरु जी कहाँ है, मैं कहा साहब अभी तो उनका जहाज पहुंचा नहीं है, शायद आने में एक घंटा लगेगा। बोले मैं वेट कर रहा हूं, तुरंत मुझसे बात कराइए और उनको बता दीजिए कि मैं इस्तीफा देने का मन बना चुका हूं, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूं। दिल्ली में जो कुछ भी घटनाएं हो रही थी, अटल जी उस दिन नागपुर थे, मैं उस कार्यक्रम के लिए व्यवस्था के लिए वहां पहुंचा था, लेकिन चंद्रशेखर जी उस समय भी गुरुजी जिनको कहते थे अपना आखिरी निर्णय से पहले उनसे बात करने के लिए बड़े वातूर थे। ऐसी अनेक विशेषताओं के साथ जिन्होंने देश के लिए इतना पूरा जीवन और ये परिसर एक प्रकार से देश के दलित पीड़ित शोषित वंचित गरीब जिनके दुख दर्द को अपने में समेटे हुआ एक इंसान 40 साल तक अपनी जवानी इसी परिसर में खपा के गया एमपी के रूप में, उसी परिसर में आज हम शब्द देह से उनको फिर से एक बार पुनस्मरण कर रहे हैं, पुनर्जीवित कर रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के हम भी देश के सामान्य मानव के लिए कुछ करें, यही उनके प्रति सच्ची आदरांजलि होगी। मैं फिर एक बार हरिवंश जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देते हुए उनके परिवारजनों को भी याद करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू जी से अनुरोध है कि आप अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। ओह
Honorable Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi ji, Honorable Speaker of Lok Sabha Sri Om Birla ji, Deputy Chairman Rajya Sabha Sri Harivamsh ji, Honorable Leader of Opposition Rajya Sabha Sri Gulam Nabi Azad ji, Managing Director Rupa Publications Sri Kapish Mehra ji, Dr. Joshi ji, Sharad Pawar ji, family members of Chandrashekhar ji, ministers, members of parliament, and also followers of Chandrashekhar ji. We have all gathered here in very large number, and my dear brothers and sisters. All the other speakers have spoken in Hindi. You all enjoyed it. I'll be speaking in English because there are people who also not able to understand Hindi properly, so because it's a national program and telecast also is going on. I am delighted to be present here at the launch of the book Chandrashekhar, the Last Icon of Ideological Politics, written by the Deputy Chairman of Rajya Sabha, my colleague Sri Harivamsh ji and Sri Ravidatta Bajpai. Indeed, late Chandrashekhar ji, who rose from a humble background to become the country's Prime Minister, had never swerved from the ideology and the principles in which he believed in. As it was pointed out in the introductory chapter, the book narrates the story of an ordinary man who did not inherit grand legacy from well-established or renowned family, who did not rely on family wealth and eminence, who did not attend any prestigious education institutions in the country or abroad, and who did not command the vote bank of a specific class, caste or community. Very well written that way. Continuing in the same party, especially when it is not in power, might sound a bit of a anachronistic to some of the present day politicians. But men like Sri Chandrashekhar ji was never attracted by the trappings of power. He always believed that politics was meant to serve the marginalized and deprived sections of the society and not a vehicle to achieve power alone. The authors have aptly described him as a politician whose public and private person were identical. I hope that his life will continue to inspire the politicians of the younger generation, especially at a time when ideology is taking a back seat. It is important for them to learn about a man who did not change his beliefs, principles, opinions, and friends to suit the changing political scenario. I am very happy that the Honorable Prime Minister made an announcement to create a museum to explain and present a detailed report to the country, and particularly for the younger generation, about the life and achievements of these great sons of this great country who could become Prime Ministers of India. It's a very good move. It's a very good move. The new generation, the younger generation, they must know the full background of all these great people so that they can get inspiration. The purpose of this book also is to give inspiration. Why this felicitation of the releasing of this book? This felicitation is to give inspiration to the new generation of this nation. That is the purpose. It is important for them to learn about a man who did not change his beliefs, principles, opinions, and friends to suit the changing political scenario. I must compliment Sri Harivamsh ji and his co-author for covering various facets of a leader right from his young days. The book contains several interesting anecdotes relating to Sri Chandrashekhar ji's life and captures his humane qualities and his concern for the uplift of the marginalized sections. It traces his political journey and his evolution into one of the country's top socialist leaders, his association with the Congress Party, his role as a young Turk along with Sri Mohan Dharia, Krishna Kant, Lakshmi Kantamma, and others, his stint in the Janata Party, and his tenure as the Prime Minister of India, his lifelong struggle to achieve socio-economic parity for the sections of the Indian society should be understood by every individual entering into a public life. I hope this book gives them a good understanding of the man who was fearless and led life
by principles. One of the striking qualities of Chandrashekhar ji was that he was not only committed to lofty ideals, but always maintained decorum, dignity, at all times, irrespective of whether he was holding an office or not. As the authors point out, Sri Chandrashekhar ji had a keen sense of conduct, etiquette, and decency, and was extremely courteous to his seniors, colleagues, associates, and juniors. He believed in utmost civility, genuine equality, and inviolable dignity in his interpersonal interaction. My dear brothers and sisters, I had an occasion to meet him because my political journey, electoral journey, started when he was the president of the Janata Party and I was nominated to contest the Lok Sabha election immediately after getting released from the jail after emergency. So I had an occasion to meet him. I was so impressed by his simplicity, frankness, the way he was trying to address various issues. Sri Chandrashekhar ji, who always opposed authoritarianism and personalized-based politics, was among the important leaders arrested during the emergency, although he belonged to the Congress Party. In his efforts to understand the ground realities, the sufferings of the people, Sri Chandrashekhar undertook a marathon walk from Kanyakumari to Rajghat in Delhi. In the nearly 6 months journey, he covered around 4,000 kilometers and interacted with the common man to understand his problem. Any politician who wants to be successful in life first must study people, spend time with the people, meeting people, greeting people, talking with people, walking with the people, eating with the people, sleeping along with the people. That is what is required for any politician to become really aware of the realities of the thinking of the people. Otherwise, you just have bookish knowledge or you just develop vocabulary and you will be living in routine's Delhi. And you will not be connected with the common man of the country. As it was done in the recent election, you have seen many of the commentators, how they commented and what happened. Later, they have to lament about their comment. In my view, this activity was the best way to get acquainted with the people's problems and expectations. There are a lot of youngsters here. I am not in politics now. And I am not going to enter politics also. That chapter is over. But my advice to all the youngsters is, read the life of Chandrashekhar. Read the life of all the great other leaders and then try to reach the people, spend time with the people so that you will get the best knowledge. The best knowledge you get from this exercise, best knowledge than St. Stephen's College or Doon's College or any other bigger institute. I am not undermining the importance of those institutions. They are elite institutions for elite people. But I am talking about the common people. If you want to understand them, you have to spend time along with the people. For me, as well as every member of Rajya Sabha, it should be a matter of pride that and satisfaction that Chandrashekhar ji, at a young age of 35 years, in 1962, began his parliamentary career from Rajya Sabha. He was a member of Rajya Sabha for 3 terms, from 1962 to 77. After that, except for the 8th Lok Sabha, he remained member of the Lok Sabha till 2004. My colleague and deputy chairman, Sri Harivamsa ji, is an erudite person who is wedded to JP's ideals, believes in simple living and high thinking, knew Sri Chandrashekhar ji from close quarters. The book will be a useful reference for the members of parliament, researchers, political scientists, and all other interested in contemporary Indian politics. Dear sisters and brothers, unfortunately, we are witnessing an all-round degeneration of values in different fields today. The lack of respect for decorum and traditions, absence of discipline, and practice of politics without ideology, and the promotion of personality-based politics are a matter of concern for one and all. As we witness regrettable violation of our rich parliamentary values and traditions, the relevance of personalities like Chandrashekhar ji becomes even more acute. We are accountable not only to parliamentary practices and procedures, but also to the parliamentary legacy left behind by parliamentarians like him. We must pause and ponder if we are doing justice to that rich legacy. Politics should be based on principles and programs, and people should select and elect their representatives on the basis of 4 C's. I repeat it. I'm repeating in every public function. The people should select and elect people on the basis of 4 C's, character, capacity, conduct, and caliber.
These are the four C's that are very much important for any public personality. But not on the basis of the other four C's. There are other four C's also. They are caste, community, cash, and criminality. A trend seen in some areas, but largely ignored in the most part of the country, as evident from the recent Lok Sabha elections. These second four C's, they are foreseen by the people, and they have ignored this, and they have gone according to their choice based on their own preference of merit. I would like to recall that senior parliamentarian, Sri Radhakrishna Advaniji, used to always emphasize that ideal behavior is more important than ideology. Siddhant se jada, adarsh se jada, vyavhar, adarsh vyavhar bahut mahatvapurna hai. Aisa Advaniji hamesha kehte. So you have to be ideal in your behavior. You have to conduct yourself in dignity, with decorum, with decency. And then you must be always responsive. This is my appeal to all the members of parliament and also legislature across the country. We are the largest parliamentary democracy in the world. And we feel proud that we are the largest parliamentary democracy. We should live up to the expectations of the people to see that the legislature, even municipalities, panchayats, or assemblies, or councils, or Rajya Sabha, or Lok Sabha, we conduct ourselves in a dignified manner, in a more matured manner after 70 years of independence. The time has come for all political parties to evolve a code of conduct for their members in public life. What to speak, what not to speak. What to speak and what not to speak. We are seeing nowadays some people speaking out of turn. Out of turn. And in public life, as well as in parliament, legislatures to raise the level of public discourse. That is the need of the hour. I hope that this book, Arivam Ji, you have given a heading. I am little, disturbed by that heading. The last icon of ideological politics. You should not be the last icon. Many more icons should come up in the society. Drawing inspiration from Chandrashekhar Ji. Drawing inspiration from the Chandrashekhar Ji. Everybody should try to live up to the expectations of the people, conduct themselves in a more dignified, decent manner, and represent the people's will in their behavior while formulating policies and programs, while participating in the legislature. Everyone should think nation first, party next, self last. Thank you very much. Namaskar. I would like to compliment Rupa Publications for bringing out this wonderful publication. Namaskar, Jai Hind. धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी और कार्यक्रम के अंत में मैं पुस्तक के प्रकाशक रूपा पब्लिकेशन के कार्यकारी निदेशक श्री कपीश मेहरा जी से धन्यवाद ज्ञापन के लिए उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय एवं सर्वप्रिय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष, नेता विपक्ष राज्यसभा, इस कार्यक्रम के सूत्रधार एवं पुस्तक के लेखक श्री हरिवंश जी, रविदत्त वाजपेयी जी, देवियों और सज्जनों, धन्यवाद करने की प्रक्रिया एक पूर्ण विराम की तरह होती है, जो एक वाक्य के अंत में आवश्यक पर होना छोटा चाहिए, सार्वजनिक कद, उम्र और समय के अनुसार। इसलिए शायद इस कार्यक्रम में मुझे इस काम के लिए चुना गया। धन्यवाद करना एवं आदर सत्कार करना, जैसे वेंकैया जी ने कहा, हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। इस किताब के विमोचन समारोह पर एक प्रकाशक के नाते अपना धन्यवाद व्यक्त करना मेरा सौभाग्य है और मैं इसके लिए हरिवंश जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। रूपा पब्लिकेशंस की कार्यशैली में हम लोग साल की तकरीबन 200 किताबें प्रकाशित करते हैं, पर कुछ ही ऐसी पुस्तकें होती हैं जिनको इस प्रकार का विमोचन समारोह प्राप्त होता है। वो चंद्रशेखर जी का जीवन एवं
हरिवंश जी की मेहनत और इस किताब का जो स्वरूप उभर के आया है वो अपने आप में ऐसा बना कि उसको इस प्रकार के विमोचन का आशीर्वाद मिला। और ये आशीर्वाद विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि एक प्रकाशक के नाते अगर आपके दो लेखक किसी किताब का विमोचन करें तो उसका सक्सेसफुल होना ऑलमोस्ट निश्चित होता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय उपराष्ट्रपति जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की किताबें हमने प्रकाशित की हैं और उनके हाथ ही ये किताब का लोकार्पण हुआ। इस अवसर पर मैं आदरणीय उपराष्ट्रपति जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस किताब का विमोचन किया, फर्स्ट कॉपी एक्सेप्ट की और हमें कुछ समय पहले अपनी किताब मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड वन ईयर इन ऑफिस का को छापने का एक चांस दिया। मैं प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का तीन कारणों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहला कारण सर कि आपने समय निकाला इस किताब का विमोचन करने के लिए, कुछ हमें ज्ञान दिया, हम लोगों ने आपकी बातें सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात और दूसरे कारण से धन्यवाद क्योंकि जैसे मैंने कहा एक लेखक के हाथों से एक अपनी ही प्रकाशक का दूसरी किताब का विमोचन होना एक सौभाग्य की बात होती है और अगर वो लेखक आपके देश का प्रधानमंत्री हो तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आप जैसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं और आपने हमारे साथ दो किताबें की, अ जर्नी पोएम्स ऑफ नरेंद्र मोदी एंड 50 एपिसोड स्पेशल ऑफ मन की बात, और ये हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें ऐसा अवसर दिया उन किताबों को छापने का। और तीसरा कारण सर, मैं माफ़ी चाहूँगा, ये व्यक्तिगत बात थी, तकरीबन 2010 में आपसे भेंट होने का अवसर प्राप्त हुआ गुजरात में और सुबह के तकरीबन 10 बजे जब आपके दफ्तर में आपसे मिला, उम्र में छोटा होने के कारण आपसे क्षमा मांगी, फिर आपको एक हाथ में बुके थमाया और आपने उसको लेते ही बोला कपीश बुक नॉट बुके, और वो बात जो है हमारे घर के अंदर बैठ गई और हम लोग ने सोचा कि हम निश्चय किया हम लोगों ने और हमारी टीम ने कि हम इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि एक दिल्ली में एक म्यूजियम बनेगा जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर होगा, उसी तरीके से रूपा अगले महीने श्री लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर किताब छाप रहा है और वो भी हमारे तरफ से फूलों की जगह किताब के द्वारा एक श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ मैं लोकसभा अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष और हमारे प्रिय हरिवंश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबको देवियों और सज्जनों धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय निकाला और चंद्रशेखर जी की जो याद है उसको और उनकी विचारधाराओं को मैं नमन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद श्री कपीश मेहरा जी। इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में शामिल हुए।